स्वास्थ्य और आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक और वृक्ष जिसका नाम करंज या कंजा वृक्ष है उससे परिचय करवा रहा हूँ। ये एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं नीचे की तरफ झुकी होती हैं, पत्ते 4 से लेकर 7 एक डंठल में होते हैं। इसका बहुत ऊंचा वृक्ष नहीं होता है, देख लीजिए। इसके पत्र चिकने नुकीले होते हैं तथा चमकदार होते हैं। इसके पुष्प हल्के श्वेत गुलाबी रंग के होते हैं तथा गुच्छों में होते हैं। इनकी फलियां चिपटी लंबी होती हैं। इनके बीजों तथा मैंने पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इनका स्वाद तिक्त होता है। ये चर्म विकारों में बहुत ही लाभकारी है। कुष्ठ रोग, दाद, खाज, खुजली, इन सभी रोगों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनके तेलों को लगाया जाता है। ये कीटाणु घन होती हैं। दाद में, हामवात, संधिवात में सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अतिसार तथा कुपचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पुष्पों का फांट मधुमेह में प्रयोग किया जाता है। बवासीर में इसके मूल को गौमूत्र में पीस कर पिलाने से लाभ होता है। व्रण घाव में तथा शोथ में इनके पत्रों को निर्गुंडी के पत्रों के साथ पीस कर बांधने से लाभ होता है। मधुमेह में इनके पुष्पों का फांट पिलाने से लाभ होता है। कुष्ठ रोग में इनके बीजों को पीस कर लेप करने से तथा इनके एक बीज प्रातः एवं सायं चबाकर खाने से या इनके काढ़े से स्नान करने से या इनके बीजों को जल में घिसकर लेप करने से ये सब ठीक हो जाते हैं। सिरसूल में इनके बीज को घिसकर इसमें गुड़ मिलाकर गर्म कर नासिका में 2 से 6 बूंद टपकाने से सिर का रोग नष्ट हो जाता है। इसके मूल के छाल का चूर्ण जल के साथ 3 दिन तक पीने से और केवल दही का ही सेवन करने से लाभ होता है। रक्तपित्त में इनके बीज का 2 ग्राम चूर्ण मधु मिलाकर 3 दिन तक नित्य सेवन 3-4 बार सेवन करने से लाभ होता है। जिन्हें दांतों की परेशानी है, फायरिया है या दांतों की और कोई भी प्रॉब्लम है, वो इनके टहनियों से दतुईन कर सकते हैं या इनके तेलों को दांतों पर घिस सकते हैं। उल्टी रोकने के लिए इनके बीजों के छोटे छोटे टुकड़े करके सेंक कर इनका सेवन कराते रहने से उल्टी बंद हो जाती है। कुकुर खांसी में भी इनके बीजों को जल में घिसकर या कूट कर जल को उबाल कर पिलाने से लाभ होता है। इनकी मात्रा है मूल का सुरस 3 मासा, छाल 1 से 3 मासा, पत्र 1/2 से 1/2 तोला, बीज 1 मासा, प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, छोटों के लिए 1/2 मासा, तेल 10 बूंद कैप्सूल में भरकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे इसी तरह की वीडियो या जानकारी पाने के लिए बेल वाले बटन को भी दबाएं। धन्यवाद।